दिस इज़ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टर्बिडिटी मीटर। ये इसकी एसेसरीज है। ये इसका टेम्परेचर सेंसर है जो कि यहाँ पर लगेगा। RS232 केबल कम्युनिकेशन यहाँ से होगा और ये इसका स्विच ऑन इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से स्विच ऑन होएगा। अभी हम इसे स्विच ऑन करेंगे। इसमें 6 कीज हैं, एस्केप, स्टोर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एंटर प्रोग्राम। अगर हमने किसी चीज़ से बैक आना है तो एस्केप दबाना है। अगर हम कोई रीडिंग स्टोर या सेव करना चाहते हैं तो हम स्टोर की दबा के करेंगे, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के आगे और पीछे जाने के लिए, और मेन मेन्यू में जाने के लिए प्रोग्राम की और एंटर की। अगर हमने कोई रेंडमली सैम्पल चेक करना है तो सबसे पहले हम इसकी ये एसेसरी में से बॉटल लेंगे, जिसको हम यहाँ तक भर लेंगे। 80% इसको भरने के बाद इसके मीटर में ये खोल के, ये बॉटल पे एक कट है, ये कट को ध्यान रखना है, जो यहाँ टर्बिडिटी का कट है उस पे रखना है। इसको ऐसे फिट करना है और इसको ऐसे बंद करना है। अब इसको चेक करने के लिए इसने कहा है एंटर प्रोग्राम की, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हम दबाएंगे एंटर की। ये पूछ रहा है कि आप टेम्परेचर रीड करना चाहते हैं या टर्बिडिटी। हमने टर्बिडिटी रीड करनी है तो इंक्रीमेंट की से हम टर्बिडिटी पे जाएंगे। टर्बिडिटी पे जाने के बाद हम इसको एंटर दबाएंगे। इस तरीके से इसकी टर्बिडिटी शो हो जाएगी एनटीयू में। अगर हम कैलिब्रेशन करना चाहते हैं या कोई और सेटिंग करना चाहते हैं तो हमें एस्केप की दबा के बैक आना है, प्रोग्राम की दबानी है, कैलिब्रेशन में जाके कैलिब्रेट होगा। कोई मेमोरी में हम स्टोर या सेव या डिलीट करना चाहते हैं वो मेमोरी में जाके होगा। अगर डेट टाइम चेंज करना चाहते हैं तो वो इसमें जाके सिलेक्ट करें, और प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर। अगर हमने सपोज करो कैलिब्रेट करना है तो कैलिब्रेट पे जाके एंटर दबाएं। हम टेम्परेचर कैलिब्रेट करना चाहते हैं या टर्बिडिटी, हम टर्बिडिटी कर रहे हैं। जो हमारा सैंपल है वो 0 to 200 NTU का है या 0 to 100, हम 0 to 200 करते हैं सपोज। हम अभी लो कैलिब्रेशन कर रहे हैं, लो किया। जो हमारा सैंपल है वो 0 NTU का है, तो हमने इसको 0 NTU आ रहा है और हमने इसको एंटर कर देना है। इस तरीके से हमारा कैलिब्रेट भी हो जाएगा। थैंक यू।